रूट क्या होता है, कस्टम रिकवरी क्या होती है और कस्टम्स रूम क्या होते हैं। हाय फ्रेंड्स, सिद्धार्थ हेयर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्यूटोरियल गाइड नहीं दूंगा, कोई हाउ टू गाइड नहीं दूंगा। आज मैं सिर्फ आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स होते हैं, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़र हो, चाहे वॉसिस का हो, लेनोवो का हो, MI का हो, शाओमी का हो, सॉरी मोटोरोला, लेनोवो, कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो ओप्पो, वीवो या गूगल का कोई भी फ़ोन हो यूज़ करता हो, उनके लिए कुछ न्यूज़ है, यानी कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा टेक्निकली भाषा में ये बात नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपल भाषा में बात समझाऊँगा आपको कि क्या ये चीज़ें होती हैं। तो ये आज का वीडियो उसी के ऊपर है, कोई इसमें हाउ टू गाइड नहीं, कैसे करना है क्या नहीं करना है, बस सिर्फ बताऊँगा क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे वो शाओमी का फ़ोन हो, चाहे गूगल का फ़ोन हो, या फिर चाहे कोई भी अदर कोई तीसरा फ़ोन हो, कोई भी थर्ड पार्टी का या सैमसंग वगैरह कोई फ़ोन हो, हर फ़ोन का जो बूट लोडर होता है वो लॉक्ड होता है। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्या होता है? देखिए, कई कंपनियों में जो है बूट लोडर अनलॉक करने के बाद वारंटी ख़त्म नहीं होती है। शाओमी जो है वो जैसे अपने यूजर्स को कहती है कि आप अनलॉक कर सकते हैं बूट लोडर को, कुछ में कोई वारंटी ख़त्म नहीं होती है, बट जो फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर मतलब होता है जो आपके फ़ोन के अंदर जो OS यानी स्टॉक एंड्रॉयड चल रहा होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके साथ कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये हर कंपनी कहती है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट उसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, रूट करते हैं, कोई भी कस्टम रूट को वापस अपने फ़ोन में डालते हैं, तो वापस आप अपने फ़ोन में स्टॉक वर्जन जो होता है, जो आपके फ़ोन में आता है, उसकी फाइल फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, आपका फ़ोन फिर से वारंटी में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं तीन चीज़ें बताऊँगा क्या होता है किसी भी फ़ोन के अंदर। पहला होता है अनलॉक, ठीक है। दूसरा होता है TWRP, कस्टम रिकवरी। तीसरा होता है रूट, और फिर होता है कस्टम रूम्स, ठीक है। तो अनलॉक क्यों करना पड़ता है? अनलॉक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखेंगे आप डेवलपर ऑप्शन में आपको एक सेटिंग मिलती है, वहाँ पे लिखा होता है OEM अनलॉकिंग। इसको इनेबल करके अनलॉक किया जाता है। हर मैन्युफैक्चर जो है अनलॉक करने का मेथड अलग होता है। जैसे मेरे पास एक गूगल पिक्सल है, इसमें सिर्फ एक कमांड रन करनी होती है, फास्ट बूट में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। उसी तरीके से शाओमी का MI1 जो एक एंड्रॉयड वन फ़ोन है, इसके अंदर भी एक कमांड रन करनी पड़ती है, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। बट कुछ फ़ोन्स जैसे कि Redmi Note 4 या कुछ भी फ़ोन होगा जिसमें Xiaomi के जिसमें MI रन करता है, उसके लिए आपको कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं कंपनी से कई बार, तब जाके आपका फ़ोन अनलॉक होता है। अनलॉक करने के बाद ही आप अपने फ़ोन के सिस्टम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने अनलॉक कर लिया तो इसका मतलब आपका फ़ोन जो है हमेशा के लिए इसकी वारंटी नहीं ख़त्म हो गई कि भैया आपकी वारंटी ख़त्म हो गई अब नहीं मिलेगी, नहीं, आप कभी भी वारंटी को फिर से क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, फिर से अपने फ़ोन का जो बूट लोडर है उसको लॉक करना है। आप हमारे चैनल पे काफ़ी सारे गाइड्स देख पाएंगे जिसमें हम कैसे फिर से अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं और वारंटी फिर से ले सकते हैं। तो ये वो तरीका होता है जिससे आप अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको अनलॉक और अनलॉक की, फ़ोन को अनलॉक क्यों करना जाता है, क्योंकि फ़ोन को अनलॉक तभी इसलिए किया जाता है कि मोस्टली काफ़ी सारे लोग जो हैं कस्टम रोम्स TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आप पूछते हैं कि भाई अनलॉक तो कर लिया, अभी TWRP रिकवरी क्या होती है? चलो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब इस फ़ोन को हटा देते हैं, ठीक है, ये MI1 का फ़ोन था शाओमी का। अब हम ये Redmi Note 5 Pro है हमारे पास, इस फ़ोन के ऊपर रखते हैं। इस पर आप देख रहे होंगे ये है TWRP रिकवरी, ठीक है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे इंस्टॉल, वाइप, बैकअप, रिस्टोर, माउंट, सेटिंग्स, एडवांस एंड रिबूट। ये एक कस्टम रिकवरी होती है, ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होती है। मोस्टली जो स्टॉक रिकवरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मोस्टली हर फोन में, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पिक्सल के फोन में इस तरीके की रिकवरी होती है। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है रिबूट सिस्टम, रिबूट टू बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, दैट्स इट। इसमें क्या है, सिर्फ इस रिकवरी के अंदर सिर्फ आप जो कंपनी जो आपको फाइल्स देती है, यानी कि आप कंपनी जो आपको अपडेट निकालती है, वही यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या बूट लूप मोड में चला जाता है, तब सिर्फ जो कंपनी के जो थ्रू मैन्युफैक्चरिंग के आपके मैन्युफैक्चर के थ्रू जो अपडेट आते हैं आप वही इंस्टॉल करते हैं, और कोई छेड़खानी नहीं कर सकते इस रिकवरी में। बट TWRP में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी के जो आते हैं अपडेट्स उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टम रोम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मॉड्यूल्स आते हैं काफ़ी सारे उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे और भी ऐसे मॉडर्न एप्लीकेशन आते हैं, टूल्स आते हैं जिनसे आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो होगी कस्टम TWRP रिकवरी जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। आपके फ़ोन में जाती है कुछ इस तरीके की होती है, मगर शाओमी के फ़ोनों में कुछ अलग तरीके की रिकवरी आती है, और कई फ़ोनों के अंदर रिकवरी होती भी नहीं है आजकल।
तो ये तो मैंने बता दिया TWRP। TWRP में इंस्टॉल में जाके आप कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, रूट इंस्टॉल कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, वो सब कुछ कर सकते हैं, उसमें बैकअप ले सकते हैं, वाइप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कस्टम रिकवरी में कर सकते हैं, इसके अंदर जाके आप रूट नहीं कर सकते जो आपकी स्टॉक रिकवरी होती है। तो ये तो होगी रिकवरी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रूट होता है वो क्या होता है। देखिए रूट जो है दो तरीके से किया जाता है, दो फाइलें होती हैं उसके लिए। आप TWRP में जाते हैं, इंस्टॉल में जाते हैं, और आपको दो फाइलें इंस्टॉल करनी होती हैं। एक फाइल इंस्टॉल करनी होती है, उन दोनों में से एक मैजिक्स होती है और एक सुपर SC होती है। उसकी गाइड भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी कैसे आपको यूज़ करते हैं। जब मैजिक्स मैनेजर जो है इंस्टॉल हो जाता है, तब आपको जो अपने फ़ोन के अंदर कुछ इस प्रकार की एक एप्लीकेशन मिलती है, जिसको आप खोलते हैं तो कुछ ऐसा लेआउट मिलता है जिसका नाम होता है मैजिक्स। मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा फ़ोन रूटेड है, ठीक है, इसमें कस्टम रूम रन कर रही है। ये देखिए मैजिक्स का एक आइकन है, इस पर जब हम टैप करते हैं तो कुछ ऐसा लेआउट मिलता है और ऐसे टिक होते हैं, ठीक है। ये अब लोग बोलते हैं रूट करने के बाद जो है काफ़ी सारी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे वगैरह ये सब रन नहीं करती हैं, नहीं, उसका भी उसके लिए मैजिक्स बना है। पहले सुपर SC होता था, सुपर SC में थोड़ा मुश्किल होता था, काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो थी चलती नहीं थी, ठीक है, मगर आप मैजिक्स में जाके उन सब एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम उसमें आपको क्या करना है, मैजिक साइड में जाना है। मैजिक साइड में जाके जिस एप्लीकेशन आपको प्रॉब्लम दे रही है कि वो नहीं रन कर रही है, रूट में ये एरर आ रहा है, कि आपको बोल रही है कि आपका फ़ोन रूट है, आपका फ़ोन कस्टम रूम है, कुछ भी है, उस रूम उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें मैजिक साइड में जाके मैं फिर से दिखाता हूँ, मैजिक साइड में ये, तो इस तरीके से आप उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, आप मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी काफ़ी सारे मॉड्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए ADBN फास्ट बूट होगा, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। अब मैं बताता हूँ रूट करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए रूट करने का क्या ना कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। रूट करने के बाद क्या होता है, अगर आपके फ़ोन की जो है बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, कभी आप लोगों ने देखा है कि आपके पास काफ़ी सारे लोगों के पास जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उसको ओवरलॉक करते हैं GPU को ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसी तरीके से आप रूट करने के बाद अपने फ़ोन को ओवरलॉक कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी सारे कस्टम कर्नल्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन में अच्छी बैटरी लाइफ पा सकते हैं। एक SDA करके एक फॉर्म है, XDA, जिसके अंदर आपको अपने फ़ोन्स के लिए काफ़ी सारे कस्टम रोम्स मिल जाएंगे जिनकी बैटरी बैकअप आपके स्टॉक रोम से अच्छी होती है, और काफ़ी सारे कस्टम कर्नल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं या अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। तो ये तो हो गए रूट के फ़ायदे, मगर इसके लिए कुछ एक नुकसान भी है। रूट करने के बाद क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में चेंजेस कर लेते हो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर ने आपको OS दिया होता है उसमें आप काफ़ी सारे चेंजेस कर लेते हो और उससे आपकी वारंटी जो है वो वाइड हो जाती है। तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं होती, उसको भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है मैजिक्स मैनेजर को। फिर इसके बाद जो आपके फ़ोन में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है उस टाइम पे, जो कंपनी ने निकाल रखा है, उसको डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर लेना है फास्ट बूट कमांड से। कोई मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कैसे चीज़ों को करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको प्रोवोक नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा कि आप अपना फ़ोन को रूट करें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि ये रूट होता क्या। रूट होने के बाद अपने सिस्टम में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, अपनी आप जो है अपने मैन्युफैक्चरर की उस पर नहीं रहते कि उसने आपको एक बांध रखा होता है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते अपने फ़ोन के अंदर, जो वो देगा वही आप कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ रूट के और TWRP के और क्या फ़ायदे होते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास ये एक MIUI 1 का फ़ोन है Xiaomi का, ये कुछ सपोज़ कि Xiaomi इसको अपडेट देना बंद कर देता है 6 महीने बाद, और मैं एंड्रॉइड नॉगट या ओरियो पे स्टक हो गया, उसके बाद मुझे कोई अपडेट नहीं आ रही, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन मेरे कूड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस फ़ोन का क्योंकि कंपनी ने बंद कर दिया है इसको सर्विस देना, ठीक है। तब उस टाइम पे आपको कस्टम रूम जो है वो बंद कर दें, क्योंकि XDA में काफ़ी सारे डेवलपर्स जो हैं जो कस्टम रूम्स बनाते हैं और नए अपडेट के साथ आते हैं, उनके पास जितने भी कस्टम रूम होंगे हमेशा अपडेटेड होंगे, लेटेस्ट OS वर्जन के ऊपर रन कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, एक दो रूम नहीं होता है, कम से कम 15-16 रोम्स होते हैं। मैं आपको गिनाऊं तो आप याद नहीं रख पाओगे कितने रोम्स होते हैं, जैसे लीनेज OS हो गया, RR रोम हो गया, मोकी रोम हो गया, EOCP रोम हो गया, AOSIP हो गया, EEX हो गया, काफ़ी सारे रोम्स होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रोम इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं TWRP और रूट करने के। TWRP रिकवरी जो होता है वो रूट नहीं होता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। TWRP रिकवरी जो हमने ये दिखाई थी आपको, ये रूट में ही होता है, ये सिर्फ आपके सिस्टम में चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है कि आप अपने सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज करने के लिए जा सकते हो। अगर आपने TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल किया है तो दैट मींस कि आपका फ़ोन रूटेड नहीं है। जब तक आप इंस्टॉल में जाके मैजिक्स मैनेजर की जो मैजिक्स मैनेजर की एप्लीकेशन था इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आपका फ़ोन जो है रूट नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, मैजिक्स मैनेजर
और सुपर एस यू दो फाइलें होती हैं जिनको इंस्टॉल करने से ही फ़ोन रूट होता है, ऐसे आपका फ़ोन रूट नहीं होता है। ये स्टॉक रिकवरी होती है फ़ोन की जो आपके फ़ोन के अंदर आती है प्री डिफॉल्ट, ये कस्टम रिकवरी होती है जिसको आप फ़ोन को अनलॉक करके इंस्टॉल करते हैं, फिर इस कस्टम रिकवरी के थ्रू आप जो है कुछ जिप फाइल्स फ्लैश करके रूट करते हैं। अब रूट करने के बाद कस्टम रूम्स को इंस्टॉल करते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको, हम जो है एक कस्टम रूम यूज़ कर रहे हैं अपने MIUI के फ़ोन में, आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये देखिए सिस्टम, आपको लुक से पता चल रहा होगा फॉन्ट्स अलग हैं इसके, पूरा UI चेंज है इसका, ये MIUI का UI नहीं है, ये कस्टम रूम है। ये देखिए AEX अपडेट्स, ये AEX जो है कस्टम रूम है उसके, और सबसे अच्छी बात इसमें आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है इनका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अबाउट फोन में जाके। ये देखिए 8.1.0 है जो अभी तक MIUI को नहीं मिला है ठीक तरीके से, और जून 5 का सिक्योरिटी पैच लेवल है जो कि लेटेस्ट है, गूगल ने इसके बाद कोई सिक्योरिटी पैच लेवल नहीं निकाला है। तो इस तरीके से कस्टम रूम में आपको काफ़ी फायदा होता है, ये तो सिर्फ मैं बताया कि अपडेट है, इसके अंदर आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कस्टम रूम जो है फुली मॉडिफाइड होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर जाके। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, देखिए डिस्प्ले में जाके आप देखेंगे कि फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, वो तो हर फोन में आजकल आता है मोस्टली, बट आप देखिए US स्टाइल एस इन कलर और फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, जब जो फॉन्ट पसंद है उसको कर सकते हैं, और आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को। ये देखिए एक्सटेंशन में जाएंगे, आपको स्टेटस बार मिलेगा, नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा, नेविगेशन, रीसेंट, लॉक स्क्रीन, इसको जाके आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्लॉक को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार समरी में आपको बता देता हूँ। फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने पे कई कई कंपनियां कहती हैं कि वारंटी खत्म नहीं होती है, अगर आपने अनलॉक कर लिया है फिर भी आप उसको फिर से लॉक कर सकते हैं, सिर्फ एक कमांड रन करनी होती है। तो उसमें आपकी वारंटी ऐसा नहीं होता कि आपने अनलॉक किया और कंपनी के पास एकदम से छू मंतर हो गया, एक मैसेज चला गया कि जी इस बंदे ने अनलॉक कर लिया अपने फ़ोन को घर में और इसकी वारंटी खत्म कर। जब तक आप फ़ोन उनको खुद नहीं दिखाएंगे जाके सर्विस सेंटर में, तब तक नहीं पता चलता किसी को, और जब भी आपने सर्विस सेंटर जाना तो फिर से लॉक कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। अनलॉक किया, TWRP कस्टम रिकवरी जो होती है सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए होती है, कुछ जिप फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए या कस्टम रूम इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको फोन को रूट करना है तो रूट करने के दो तरीके होते हैं, TWRP से मैजिक्स मैनेजर और सुपर एस यू फाइल को फ्लैश करना होता है, तो उसके बाद रूट होता है। अगर आपने फोन को रूट भी कर लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी वारंटी खत्म हो गई है, जब भी आपको लगे आपको सर्विस सेंटर जाना है आप अपने फोन को अनरूट कर सकते हो। उसके काफ़ी सारे वीडियो आप देख पाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बनाए जिसमें हम अपने फोन को अनरूट कर लेते हैं। अनरूट करने का मतलब क्या होता है, जो आपने अपने फोन में रूट करके जो चेंजेस किए थे उसको वापस आप वैसे ही कर दोगे जैसे आपके फोन बॉक्स में आता है, पैक होकर निकालते हैं वैसे हो जाएगा फोन एज इट इज़। सिर्फ आपको करना है अपने फोन के लिए जो रोम आता है फास्ट बूट रोम उसको डाउनलोड करना है और अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और अपने फोन को लॉक कर लेना है, सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में मैंने आपको जो समझाया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर आप कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है TechnoBuzz.net उस पर जाके हमें लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।